करूंगी, आधे घंटे के बाद मैं फ्राई करूंगी। तब तक के लिए मैं देखिए हमारा चिकन फ्राई हो चुका है जिसे हमने मैरिनेट किया था। गाइस चिली चिकन की स्पेशलिस्टी ये है कि ये बहुत जल्दी बन जाता है, सिर्फ इसमें इसको टाइम लगता है सिर्फ चिकन फ्राई होने तक, और जब हम इसका मसाला बनाएंगे वो बहुत जल्दी बन जाता है। मतलब कि जब हमारे घर कोई मेहमान आए तो झटपट से हम ये बनाएं तो बहुत जल्दी बन जाता है, हम भी खुश, हमारे मेहमान भी खुश। हाँ गाइस अब हम लोग चिली चिकन का मसाला तैयार करेंगे। चिकन तो हमारा ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है और मैंने कढ़ाई ले ली है, मैं थोड़ा सा पानी है, पानी सूख जाने के बाद इसमें मैं ऑयल डालूंगी जिसमें हम लोग मसाला बनाएंगे। गाइस कढ़ाई हमारा बिल्कुल सूख चुकी है, मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल मैं वही यूज़ कर रही हूँ जिसमें हम लोगों ने चिकन फ्राई किया था। ऑयल हम लोग कम ही लेंगे क्योंकि हमारे जो चिकन फ्राई किया उसमें भी ऑयल है। गाइस ऑयल हमारा पहले ही गर्म था, फिर भी मैंने इसे अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। मैं इसमें डालूंगी कटी हुई शिमला मिर्च और प्याज, इसको मैं साथ में ही डालूंगी। इससे पहले जो मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाया था मैं पहले उसको डालूंगी। गाइस ये मैंने पीतल का गिलास लिया स्पेशल अदरक और लहसुन के पेस्ट बनाने के लिए। यह गाइस देखिए इसे हम हल्का भून लेंगे और बाकी का जो हम मैं प्याज और लहसुन डालूंगी, प्याज और शिमला मिर्च डालूंगी, साथ ही इकट्ठा ही भुना जाएगा ये। गाइस जो शिमला मिर्च और प्याज मैं डाले हैं इनको हम अच्छी तरह से बिल्कुल इनको गलाना नहीं है जैसे हम लोग सब्जी बनाते हैं, ऐसा नहीं है, इसको हम हल्का ही शैलो फ्राई जैसा ही करेंगे, बिल्कुल हल्का हल्का फ्राई करेंगे इसको। गाइस देखिए हमारा प्याज और शिमला मिर्च है हल्की हल्की फ्राई हो चुकी है। गाइस गाइस अगर आप लोग मेरे तरीके से घर पे ही बना के खाओगे चिली चिकन तो यकीन मानिए होटल का चिली चिकन बिल्कुल फेल है इसके सामने। घर में बनाया हुआ चिली चिकन दो गुना टेस्ट देता है, बहुत ही अच्छा, खाने में भी हेल्दी भी है क्योंकि हम लोग खुद अपने हाथों से बनाते हैं, होटल में पता नहीं कैसे कैसे बनाते हैं। गॉड नोज़ वो को गाइस जरूर मेरे तरीके से बना के ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को खिलाइएगा। हाँ गाइस अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ नमक मिर्च वगैरह। गाइस स्पाइस करने के लिए मैंने हरी मिर्ची बीच में से चीर ली है, थोड़ा कम ही स्पाइसी बना रही हूँ क्योंकि मेरे मदर इन लॉ को मिर्ची थोड़ी कम ही खाते हैं, वो लोग थोड़ी उनकी थोड़े ओल्ड एज भी हो गए हैं वो, उनकी उम्र को देखते हुए भी थोड़ा सा मुझे स्पाइस में थोड़ा हाथ रोकना पड़ेगा, नहीं तो मैं बहुत ही देसी खाना बनाती हूँ। और थोड़ा सा होटल स्टाइल देने के लिए मैं इसमें डालूँगी फूड कलर। सोया सॉस अब मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूंगी। गाइस टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूंगी, नमक क्योंकि मैं चिकन में भी है जब मैंने फ्राई किया था इसलिए मैं कम ही नमक डालूंगी। बाकी आप लोग कैसा, आप लोग नमक ज़्यादा खाते हो तेज खाते हो, मैं तो गाइस नमक कम ही खाना चाहिए सेहत के लिए, नमक कम ही अच्छा होता है, कम ही खाना चाहिए अच्छी सेहत के लिए। बाकी सब लोगों का अपना अपना टेस्ट है, कोई बहुत ही कम खाता है, कोई तेज नमक खाना पसंद करता है।
हाँ गाइस, ये अब मैंने जो मेरा हाफ फ्राई जो मैंने किया था, अच्छे से पकाना नहीं है इसको, ये अब हमारा रेडी है। अब मैं इसमें जो मेरा फ्राई चिकन है वो डाल दूंगी। गाइस मैं आप लोगों को बताऊँ एक बात, जब मैं चिकन फ्राई करती हूँ ना, तो आधे से ज़्यादा तो मेरे बच्चे फ्राई किया हुआ ही खा जाते हैं, क्योंकि ये मेरे बच्चों की फेवरेट डिश है। इसीलिए बस मुझे चिकन भी थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है मेरी फैमिली के लिए। गाइस अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। गाइस आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि कितना अच्छा खिल के आया है इसका रंग, बिल्कुल ही होटल स्टाइल है। होटल स्टाइल के होटल वाले भी फेल हैं ऐसे चिली चिकन के सामने। गाइस मैं अपनी बड़ाई मतलब अपनी प्रेज खुद ही कर रही हूँ, आप लोग भी कीजिएगा अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर नहीं अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। गाइस गाइस अब मैं इसको बस ये ऑलमोस्ट चिकन हमारा जब फ्राई किया तभी पक चुका था, शिमला मिर्च भी हमारी हाफ फ्राई हो चुकी है। अब मैं सिर्फ इसको 10 मिनट के लिए कम आंच पे रख दूंगी, बस हमारा चिली चिकन बिल्कुल रेडी है। गो गाइस 10 मिनट हो चुके हैं, मैं इसको देखती हूँ कैसा लग रहा है। गाइस लुकिंग डिलीशियस, वैसे देखने में तो बहुत डिलीशियस लग रहा है, खाने में बच्चे बताएंगे और फैमिली वाले बताएंगे कैसा बना है। और गाइस मैं इसको तवे बाउल में डाल रही हूँ। पापा रेडी हैं। गाइस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अब आप लोगों से नई वीडियो मिलेंगे नई डिश के साथ, ट्राई करूंगी कि आप लोगों की नई डिश क्या लेके आऊं। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।